Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and in good health. And I hope now you are ready to start our today's English class. So let's begin our today's class. Now you know we are doing the chapter of Grammar Gate, right? The last chapter of Grammar Gate. Okay? So all of you open your textbooks, page number Chapter 14, right? So page number is 109, right? And yes, we completed with introductions, we started with tenses and everything, isn't it? We started, right? Yes or no? Yes. Have you gone through the videos? I hope you have gone through the videos, and it is very much necessary you know, don't skip even one part of the video. If you skip, you will miss the important parts, right? And then you will not understand the things which will be explained in the next video. Okay, so better go through the videos. Now open page number 110. We started with rules of changing direct speech into indirect, right? We started with reporting verbs. What is the reporting verb? Yes, we use says, will say, said with the name, right? So that is the reporting verb, and we came to know that if it is present or future, it is going to remain the same. And then we started with our tenses, right? We started with simple present, changes to simple past. But there was one universal fact. What was that? The universal fact was, exception was that if it is a universal fact or a habitual fact, it means if it is somebody's daily routine or habits. Or universal fact means a fact which is applicable around the world. Fact which is applicable around the world, right? Sun rises in the east. Kya India mein east mein hota hai? और ऐसा है कि अमेरिका में वेस्ट से सन आता है? नहीं ना. अराउंड द वर्ल्ड इट सेज सन राइजेस इन द ईस्ट. यस स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज सेड दैट इफ इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट और अ हैबिचुअल फैक्ट, द टेंस ऑफ द वर्ब दैट इज बिगिंस, मूव्स, ओके, ऑल दिस विल बी इन सिंपल प्रेजेंट ओनली. वो चेंज हम नहीं करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो देन आई एक्सप्लेन यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस विच विल चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस. देन आई एक्सप्लेन यू प्रेजेंट परफेक्ट विच विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट. अब स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करती हूं कि आपको ये टेंस से वो टेंस में चेंज करना है, तो हमें क्या चेंज करना है सेंटेंस में? क्या चेंज करना है? मैं किसकी बात करती हूं? Yes, students, we just have to change the verb. क्या चेंज करना है हमें? Yes, we just have to change the verb. बाकी सब सेम रहेगा. Okay, हमें क्या करना है? हमें बस इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है, उसकी जगह पे क्या लिखना है? That. Okay, अगर हम उसी इंसान का डायलॉग बोल रहे हैं तो आई की जगह पे वो ही हो, शी हो, वो लगा देना है. फिर हमें सिर्फ वर्ब ही चेंज करना है, हमें सिर्फ वर्ब चेंज करना सीखना है. और वर्ब चेंज करना मुश्किल नहीं है. क्यों क्यों मुश्किल नहीं है? जस्ट बिकॉज अगर सेंटेंस में आपको ये आ गया कि वर्ब कौन सा है, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द वर्ब. ओके, अगर मैं बोलूं ये सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड, राइट? अगर ये सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, सो अगर आप वर्ब को फाइंड कर देते हो, चलो वर्ब मिल गया, ठीक है, अब वो वर्ब को देखो उसका फॉर्मूला क्या फॉलो हुआ है. वहां पे आईएनजी है, हैज है, हैव है. अब आपको फॉर्मूला भी मिल गया, राइट? अब आपको पता है एक चीज, क्या पता है? अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो हमने लिखे हुए हैं. कहां लिखे हुए हैं हमने? यस, आई आस्क्ड यू ऑल टू मेक अ टेबल लाइक मी, राइट? आई आस्क्ड यू ऑल टू मेक अ टेबल, इजंट इट? So, students, what do you also have to do? Verb mil gaya, uska formula dekho, and search it over here.
सर्च इट ओवर हियर, और उस अगर उसमें आईएनजी है, इज है, अगर उसमें वी थ्री ईडी है और हैज है, उसमें हैज है, हैव है, तो पता चल जाएगा कौन सा है वो प्रेजेंट परफेक्ट है. अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमें क्या करना है फिर इनडायरेक्ट में, बस उसको पास्ट परफेक्ट में कर देना है. और यहाँ पे लिखा हुआ है उसका भी फॉर्मूला, राइट. सो आपको ये सब लर्न करना होगा. ओके, सो वी कंप्लीटेड ओनली 3 टेंसेस एंड अबाउट द रिपोर्टिंग वर्ब. ओके, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट. ओके, वो सिंपल पास्ट हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाता है, राइट. क्यों? प्रेजेंट पूरा पास्ट में कन्वर्ट होता है किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि हम किसी की कही हुई बात बताते हैं, फिर वो प्रेजेंट तो नहीं रहता ना, वो बातें तो हो चुकी. इसलिए हम डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में करते हैं तो क्या होता है, वो सब पास्ट में होता है. अब एक क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन आया है? अच्छा चलो, प्रेजेंट को तो हम पास्ट में कर देते हैं, लेकिन पास्ट को पास्ट में कैसे करेंगे, राइट. सो दैट ऑल्सो यू हैव फॉर्मूलाज, राइट. अगर सिंपल पास्ट ही डायरेक्ट में आ जाए तो हम क्या करेंगे, लेट अस लर्न नाउ. ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग विथ रूल नंबर 5. वी आर गोना कंटिन्यू विथ रूल नंबर 5. ओके स्टूडेंट्स, सो द सिंपल पास्ट फॉर एग्जाम्पल स्पोक changes to the past perfect. What did we learn today? Yes, the 5th formula. If your direct speech itself is in simple past, simple past ka formula kya hai students? Humne yahan pe dekha hai na, ed aur v2 hai, ed ya v2 aata hai, wo kisme ban jata hai, past perfect. पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला यही है, हैड और वी थ्री या ईडी. सो स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आपको क्या याद रखना है, लर्न दिस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, ऐसे करके याद रखना, ठीक है. सो सिंपल पास्ट, लेट अस सी द एग्जांपल. He said, they went to the zoo. He said, they went to the zoo. Okay, the simple past, for example, spoke changes to past perfect or stays the same. अगर आप उसको same लिखोगे तो भी कोई problem नहीं है. इसका मतलब आप इसको simple past ही रहने दोगे तब भी कोई problem नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी द एग्जांपल नाउ. ही सेड दे वेंट टू द जू, वर्ब कौन सा है इसमें, चलो मुझे बताओ जल्दी, वर्ब कौन सा है, दे वेंट, एक्शन वर्ड इज गोइंग ना, वेंट, राइट. सो ये वेंट, ये कौन सा फॉर्म है, वी टू, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल पास्ट. सो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, हैड प्लस V3 और ED. अब ये इसके 3 फॉर्म्स पता है आपको क्या है, गो, वेंट, गॉन. ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है. ओके स्टूडेंट्स, सो ही सेड दे, अब वेंट की जगह पे हमें क्या करना है, हैड प्लस V3 ना, दे हैड, V3 क्या है, गॉन. They had gone to the zoo. Okay. He said that they had gone to the zoo. अगर आपको past perfect नहीं करना है तो आप उसको same रख सकते हो. He said that they went to the zoo. Is it understood? Easy. Simple past, past perfect. या simple past रहने दे सकते हो आप. Okay. So now come to the next one. Leave this right now. We'll go to rule number 7. The past perfect and the past continuous stay the same. अब सबसे easy चीज क्या आ गई है? चलो, simple past के बाद क्या आता है? Past continuous, right?
past continuous formula was or were plus ing. अब सबसे easy past continuous remains the सेम, उसको चेंज नहीं करना है. सो आपको सिर्फ क्या लगाना है, दैट ही सेड दैट, बाकी पूरा सेंटेंस सेम आ जाएगा, राइट. हाँ, अगर वो आई है तो आपको ही या शी, ओके, उस सब में चेंज करना होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो एंड द नेक्स्ट वन सेड पास्ट परफेक्ट. क्या बोला, पास्ट परफेक्ट, वो तो अभी हमने पढ़ा ना, पास्ट परफेक्ट, वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा. ओके, सो आई गेस पास्ट टेंस इज वेरी इजी. पास्ट टेंस सबसे इजी है ना, सब चीज सेम है, लेकिन सिर्फ सिंपल पास्ट को हमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट में करना है, राइट. सो हमें याद क्या रखना है, फॉर्मूला तो सबके याद रखने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा याद आपको ये प्रेजेंट टेंस का रखना है. ओके, नाउ आई सेड रूल नंबर 6 ना, व्हाई डिड आई लीव दिस, जस्ट बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू फ्यूचर. This is related to your future tense, okay? The will, can, may forms change through the would, could, might forms. Yes, eighth one. अगर will है, फिर क्या है? Can है और may है. तो will का past form क्या होता है? Would, can का could. और मे का यस माइट. ओके, सो सीधे एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई विल फोन हर, आई विल फोन हर. सो विल, ओके, सो यू राइट, ही सेड दैट. अब टू मी लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, टू मी लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, सो ही सेड दैट, ही, अब आई को क्या बनाना, ही will become would phone her. Okay? He said that he would phone her. अगर आप लिखते हो he said to me that he would phone her, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा. Okay? He said that he would phone her. अगर I, okay. He said I can come tomorrow. तो क्या आएगा? He said that he could come tomorrow. He could come tomorrow. So, अब समझ आ गया? समझ आ गया ना? So, all the tenses is clear? See, इसी तरह एक beautiful, मेरा तरह से rough table है. आप लोगों की तो handwriting में बहुत अच्छी होती है. Isn't it? So, make two table like this. ऐसे line बीच में खींच देना और heading देना, direct speech, indirect speech. Okay? नीचे definition है. ये क्या है हमारा? Definition. इसका मतलब क्या है? अब भूल ना जाओ, इसके लिए लिखा है मैंने. Okay? फिर ये स्टार्ट करना, ये रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा. ओके, सो ऐसे इतना ब्यूटीफुल सा एक टेबल बना के ऐसे इसी पेज पे रख देना, ताकि जब आप एक्सरसाइज करो तो आपके लिए इजी हो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न द पेज, वी कवर्ड ऑल द रूल्स एंड आई होप ऑल द रूल्स आर क्लियर टू यू. ओके, टर्न द पेज नाउ. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. कब से मैं बोल रही थी ना आपको प्रोनाउंस चेंज करने पड़ेंगे, आई है तो क्या आएगा, ये है तो क्या आएगा, वो है तो क्या आएगा, राइट. सो द प्रोनाउंस चेंज वेयर नेसेसरी सो दैट द रिलेशन विद द रिपोर्टर एंड द लिसनर रादर देन विद द ओरिजिनल स्पीकर आर एक्सप्रेस्ड. सो अब हम प्रोनाउंस को क्यों चेंज करते हैं, व्हाई डू वी हैव टू चेंज आई, आई एंड ऑल, व्हाई डू वी हैव टू चेंज दिस, just because it is clear that about whom the speaker is talking. Okay, uska relation hame pata chal sake. Okay students, so now these all things also I want you to write over here. Okay, in the paper. Agar aap yahan pe nahi likhte to theek hai, chal jayega, no issues, because here it's already mentioned clearly. Okay, so direct speech mein agar aisa hai, he said to me I will help you. अच्छा, ये जब डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो रहा था ना, डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो रहा था मतलब, चलो मेरे सामने कोई है और उसने मुझे कहा दैट मैं आपकी हेल्प करूंगा, आई विल हेल्प यू. ओके, अब आप वही बात किसी और को बता रहे हो, तो हेल्प करने के बाद किससे कही थी, आपसे कही थी ना, आपको हेल्प चाहिए थी. तो आप जब किसी और को बताओगे तो कैसे बताओगे, ही टोल्ड मी,
ही वुड हेल्प मी, यूं अब निकल जाएगा, क्यों मी आ जाएगा, क्योंकि मुझसे हेल्प की बात कही थी. ओके, अब मैं ही वही डायलॉग बोलूंगी, तो मैं क्या यूज करूंगी यहां पर, मी. ओके, सो टेक केयर ऑफ यूजिंग द प्रोनाउंस. ओके, क्योंकि आप वही डायलॉग बता रहे हो किसी और को, आप क्या कर रहे हो, आप वही डायलॉग किसी और को बता रहे हो. ओके, सो अब ये देखो, शी सेड टू हिम आई विल हेल्प यू. अच्छा, अब उसने उस किसी और को कहा कि मैं आपकी हेल्प करूंगी, तो शी टोल्ड हिम शी वुड हेल्प हिम. अब किसी और को, मुझे नहीं, हम हिम यहां पे है ना, हिम हिम. अच्छा, यहां पे भी इजी है, मी मी हिम हिम, है ना, सेम है ना, हिम हिम, देम देम. ओके, सो वन वे इज आप यहां से, यहां पे जो प्रोनाउन होगा वो लास्ट में आएगा. ओके, सो चेंजिंग प्रोनाउंस इज वेरी मच नेसेसरी स्टूडेंट्स, चेंजिंग प्रोनाउंस इज वेरी मच नेसेसरी. क्योंकि आप अगर देखो, विल को वुड किया, सब सही से कर दिया, वर्ब सही चेंज किया, लेकिन आप ये प्रोनाउंस चेंज करना भूल गए, तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो फिर प्रॉब्लम होगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल यूज वर्ड्स लाइक हियर, नाउ, टूडे, टूमोरो टू रेफर टू द प्लेस वेयर दे आर स्पीकिंग एंड द टाइम वेन दे आर स्पीकिंग. ओके, हम बोलते हैं हियर, नाउ, टूडे, टूमोरो. अब मैंने पहले एक एग्जाम्पल दिया था ना, he said I can come tomorrow, I can come tomorrow. Okay, अब मैंने क्या यूज किया, tomorrow यूज किया टाइम बताने के लिए. If these words are reported in a different place or a different time, they usually change. अब मुझे उस वक्त उसने ये कहा था, मुझे उस वक्त उसने ये कहा था, उस वक्त पे ये कहा था, लेकिन अगर मैं दूसरी बार वो बात हो गई, थोड़े टाइम बाद अगर मैं किसी को बताती हूँ, तो डिफरेंट टाइम हो गया ना. टुमोरो तो मुझे उसने आज कहा था, के आज सुबह कहा था, अब मैं शाम को किसी और को बताऊंगी, डिफरेंट टाइम, राइट. सो देन यू हैव टू चेंज. ओके, सो क्या चेंज होगा, अगर डायरेक्ट स्पीच में आप यूज करते हो हियर, सो यू हैव टू यूज देयर इन इनडायरेक्ट. ओके, सी ओवर हियर, देयर, दिस, दैट. ओके, फॉर एग्जाम्पल, He had come here. So क्या आप लिखोगे, he had come there. Here की जगह क्या लिखना है आप, there. Okay, तो आपको sentence में किस किस चीज का ख्याल रखना है, pronouns का रखना है, verbs का रखना है, and then here will become there, this, that. Now, then, at that time. I will come now. He would come at that time. ऐसा करके, ठीक है? Today, that day. अगर आज बोला है तो today will become that day. Tonight will become that night. Last week or month will become the previous week, the previous month. Next month or year, the next month, the next year, ये same रहेगा. Yesterday, the previous day. Tomorrow, the next day. ओके, अभी मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताती हूँ. ही सेड आई केम हियर यस्टरडे. एक तो आया हियर, एक तो आया यस्टरडे, और एक तो आया केम. अच्छा, केम कौन सा है, वी टू है ना, कम केम, राइट. सो दिस विल बिकम वी थ्री. ओके, सो ही सेड दैट आई, अब क्या हो जाएगा, He had gone here. का क्या है, there. Yesterday का क्या है, the previous day. He had gone there the previous day. समझ आया? तो ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा. ओके, कि इसको हमें कैसे लिखना है. क्लियर? सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यू आर लेट टूडे. ओके, आर ये प्रेजेंट है, सो इसको हमें क्या करना है, पास्ट करना है. ठीक है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट यू मीन्स
अब ही या शी हो, अब जो जो भी लगाना हो, ही आर विल बिकम वॉज, क्योंकि पास्ट टेंस करना है, वॉज लेट. टूडे विल बिकम दैट डे, ही वॉज लेट दैट डे. समझ आया? इतना समझ आया आपको? चलो, आई होप टिल दिस मच इट्स क्लियर. सो वी कंप्लीटेड विथ ऑलमोस्ट द बेसिक ऑफ टेंसेस. ओके, द बेसिक ऑफ टेंसेस इज क्लियर टू अस. आप क्या करना, आप ये सब लर्न करके यहाँ पे पीछे लिखना, ठीक है? इसी पेज के पीछे लिखना लर्न करके, ताकि आपको ये याद हो जाए. मैं नहीं लिख रही, आई ऑलरेडी नो इट. और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, लेकिन आपको याद रखना है ये सब, राइट? एग्जाम्स आ रही है. ओके, सो मेक श्योर यू लर्न दिस एंड राइट इट इन द पेपर एंड कीप इट ओवर हियर. ओके, सो टुमोरो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू कंप्लीट द अदर रूल्स. ओके, एंड देन वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइज, एंड देन वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट्स, सो if you haven't watched the videos till now, please go through the video so that you understand and you're able to do the exercise tomorrow with me. See you soon, the next video and the continuation of the chapter.